अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बनाऊंगी कोकनी कांदा पोहा। पाव किलो पोहा लिया है मैंने, इसे पानी से भिगो दिया था। हाफ कटोरी किसा हुआ नारियल, एक लेमन का जूस, हल्दी और नमक, तड़के के लिए राई और कड़ी पत्ता। ये हाफ कटोरी लिया है मैंने भुना हुआ सेंग, इसे कूट के लिया है। हरा धनिया और चार कांदे को मैंने इस तरह लंबा काट के लिए है। दो तीन हरी मिर्च भी लिए हैं। अभी इसे हम फ्राई कर लेते हैं। मैंने पैन रख दिया, ऑयल ले लिया है, आप लेना अपने हिसाब से। ये मैंने राई और कड़ी पत्ता डाल दे रही हूँ। तड़कने के लिए छोड़ दूँगी इसे। अब देखिए मैं कांदा डाल दे रही हूँ इसी के अंदर, इसे भून लेंगे। इसको हल्का ब्राउन करके ले लेंगे। देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है, इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। अब एक मैंने पूरा आका लेमन का जूस डाला है। ये मैंने कूटा हुआ सेंग डाला है जो रोस्टेड है। खोपरा भी डाल दूंगी इसमें, हल्दी नमक भी डाल देंगे इसमें, धनिया भी डाल देंगे। इसे सब एक साथ में अच्छे से भून लेंगे, मिक्स करके ले लेंगे। इसके बाद हम डालेंगे हमारा पोहा जो मैंने भिगो के इसे पानी निताने के लिए छोड़ दिया था। मैंने पोहा डाल के अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। अब इसे मैं 8 से 10 मिनट ढक के रख दूंगी, फिर हमारा पोहा बनके तैयार हो जाएगा। अब ढक दूंगी इसे। अभी देखिए हमारा 8 से 10 मिनट हो चुका है, हमारा कांदा पोहा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अभी इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल देंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खिला खिला बना है एकदम। अब मैंने पोहे को निकाल दिया है सर्विंग प्लेट में। अभी मैं ऊपर से धनिया और कुछ भुना हुआ सेंग डाल के इसे सर्व करूँगी। अगर आपको मेरी कांदा पोहे की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।